ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम एडिटर क्या होता है कि ये एक ऐसा एडिटर होता है ना कि जो फाइल को ओपन किए बिना ही फाइल में सर्च एंड रिप्लेस कर सकता कोई भी वर्ड। ठीक है, जैसे वीआई में क्या होता था कि हमें फाइल को ओपन करके सर्च एंड रिप्लेस करना पड़ता था। ठीक है, तो स्ट्रीम एडिटर में क्या होता है कि इसमें हम फाइल को ओपन भी नहीं करेंगे और ये सर्च एंड रिप्लेस कर देगा। डू यू नो दैट? क्या क्या कहते हैं तनु हाँ जी, कमा, हेलो। कैन यू रिपीट? स्ट्रीम एडिटर क्या करता है? स्ट्रीम एडिटर ना फाइल को ओपन किए बिना ही उसमें सर्च एंड रिप्लेस कर सकता है। उस फाइल को ओपन भी नहीं करेगा और उसमें सर्च एंड रिप्लेस कर देगा कुछ भी। ओके, बिना ओपन करके उसको ये कर देगा क्या? हाँ, जैसे वीआई में तो क्या करना पड़ता है, हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, हाँ उसके भाई, बाद हम उसमें एडिट करते हैं। बट स्ट्रीम एडिटर क्या करता है, ये फाइल को ओपन भी नहीं करेगा और फाइल में जो भी तुमने सर्च एंड रिप्लेस करना है वो सर्च एंड रिप्लेस करके हमें दे देगा। ठीक है, और ये जितने भी चेंजेस होंगे सब मेमोरी में होंगे जब तक आप हाइफन आई नहीं लगाते एसटीडी के साथ। ठीक है, परमानेंटली चेंज नहीं करेगा वो। अभी मैं दिखाता हूँ एक प्रैक्टिकल करके। जैसे एक मैंने फाइल बनाई हुई है यहाँ पे कैट फाइल के नाम से। ठीक कॉपी कर लेता हूँ मैं, स्लैश में पड़ी है वो फाइल। जैसे ये फाइल है, अब इस फाइल के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। कैट लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को ना ओपन भी नहीं करूंगा और इस फाइल से सर्च एंड रिप्लेस कर दूंगा एसटीडी से। ठीक क्या है, देखो कर दो तुम फ्लैट है? एसटीडी से खाली सर्च एंड रिप्लेस होता है, कुछ भी सर्च करना है और उसको रिप्लेस कर देना। अब मैं कहता हूँ कि कैट को ना डॉग बना दो, जितने भी कैट हैं उनको डॉग बना दो। तो मैं क्या करूंगा, एसईडी स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, उसके बाद एसईडी का जो सिंटेक्स देखो कैसे होता है, पहले एसईडी आएगा उसके बाद आएगा सेपरेटर। ठीक है, उसके बाद आएगा वो चीज जो तुमने सर्च करनी है। मुझे सर्च करना है कैट। ठीक है, और क्या बना दो, कैट को डॉग बना दो। ठीक है, उसके बाद स्लैश, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा फाइल नेम। फाइल नेम क्या है, फाइल ये वाली। ठीक है, और देखो ये फाइल को क्या इसने ओपन किया, नहीं किया। अभी ये देखो मैं एंटर मारता हूँ तो उसने क्या किया, मैंने क्या बोला था, कैट को डॉग बना दो। कैट को डॉग तो बनाया है इसने, तो स्मॉल में था मतलब। इसने देखो फाइल को नहीं ओपन किया। देख रहे हो, स्ट्रीम एडिटर ने फाइल को क्या ओपन किया, नहीं किया। बट उसने मुझे आउटपुट दे दी, और आउटपुट जो दी ना वो देखो कैसे दी इसने। मैंने क्या बोला था, कैट स्मॉल में कैट, तो स्मॉल में कैट कहाँ पे था, यहाँ पे था, इसको इसने चेंज कर दिया। ठीक है, और स्मॉल में कैट कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे चेंज कर दिया। बट इसने सारे चेंज नहीं किए, ठीक है ना, इसने सारे चेंजेस नहीं किए। क्योंकि अगर आपने बोल दिया ना कैट स्मॉल में, तो स्मॉल में मतलब केस सेंसिटिव होगा वो। ठीक है, में हाई हाँ हाई यूज करते हैं, हाई यूज हाँ करते हाँ ना, हाई हाँ वैसा उसी में। तो अब मैं कहता हूँ कि इग्नोर द केस, मैं स्लैश करके बाद ना यहाँ पे आई लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये सारों को कैट को डॉग बना दिया इसने, इग्नोर कर दिया केस को। आई का मतलब होता है इग्नोर द केस। नॉर्मल ठीक है, इग्नोर द केस मतलब कि वो कहता है कि स्मॉल ना देखो, कैप्स ना देखो, बस कैट होना चाहिए, डॉग बना दो। तब भी इसने सबको नहीं किया। देखो स्टार्टिंग वालों को तो कर दिया, सबको नहीं किया। ठीक है, बस तो उस स्टार्टिंग केस, वाला। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आई के साथ जी लगा देंगे यहाँ पे, ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब है जहां पे भी कैट हो ना उसको डॉग बना दो। देखो सारे कैट डॉग बन गए। तो इसका सिंटेक्स देखो क्या होता है, एससीडी। ठीक है, एस मतलब सेपरेटर। ठीक है, कैट को सर्च करो, डॉग के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, आई मतलब इग्नोर द केस, स्मॉल में हो कैट जैसे मर्जी हो,
उसको डॉग बना दो जी ग्लोबली, ठीक है, ये सिंटेक्स होता है। उसके बाद होता है फाइल नेम, ठीक है। अब ये जो भी चेंजेस हुए हैं ना, ये हमारे फाइल में नहीं हुए अभी, पता तुम? फाइल में नहीं हुए अभी तक? नहीं नहीं फाइल में नहीं हुई, ये जस्ट मेमोरी में हमें शो होते हैं। फाइल मेरी वैसे की वैसी है, देखो फाइल में अभी भी वो भर है कि भाई कैट कैट ही अभी भी। तो स्ट्रीम एडिटर जो है ना, ये जो भी हमें चेंजेस करके देता है, ये हमें मेमोरी में करके देता है। अगर आपको लगता है कि हाँ आउटपुट मेरी सही आ रही है, तो क्या करना है आपने, जैसे मेरे को देखा मैंने आउटपुट ये आ रही है, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि हाँ आउटपुट सही आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, एस सी डी के साथ ना हाइफन आई लगा दो, ये हाइफन आई क्या करेगा, फाइल में जाके चेंजेस कर देगा डायरेक्ट जाके। अब मैं अगर एंटर मारता हूँ, ठीक है, और अब बोलता हूँ कैट फाइल करो, देखो होगी फाइल चेंज। तो ये क्या अभी ये परमानेंट होगी? अब होगी ना चेंज? हाँ अभी कैट किया तो ये परमानेंट हो गया फाइल, क्योंकि जब तक तुम हाइफन आई नहीं लगाते हैं एसडी के साथ, वो जो भी चेंजेस होंगे वो हमें मेमोरी में शो होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी आउटपुट सही आ रही है, तो क्या करो उसके साथ हाइफन आई लगा दो। हाइफन आई जैसे ही लगाओगे वो फाइल में चेंजेस कर देगा, और आपको फाइल जैसी भी थी मतलब चेंजेस हो गए, वो चेंजेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हाइफन आई के बिना वो जस्ट मेमोरी में शो करेगा सारा। ठीक है, तो हाइफन आई नहीं लगाओ कभी भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आउटपुट वो नहीं आती जो हम चाहिए होती है, तो इसीलिए हाइफन आई को तब लगा दो जब हमें पता चल जाए कि आउटपुट सही आ रही है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट आउटपुट आ रही है, देन वी कैन यूज द हाइफन आई ऑप्शन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी, चलो अभी ये मेरी बी ए वाली फाइल आ गई कैट फाइल। अब एक तो होता है ना कि जो एस सी डी है ना, वो पूरी फाइल में काम करता है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे पहली लाइन वाले डॉग को ही कैट बनाना है, ठीक है। जैसे अगर मैं करता हूँ एस सी डी, ठीक है, सेपरेटर, मैं अब क्या करता हूँ डॉग को कैट बना रहा हूँ, ठीक है, आई जी, उसके बाद फाइल नेम दे दिया मैंने, तो इसने ये किया सारों डॉग को कैट बना दिया, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को पहली लाइन वाले डॉग को ही कैट बनाना था, ठीक है, मुझे पहली लाइन वाले डॉग को कैट बनाना था, तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो जैसे मैं एस लिख रहा था ना, एस सेपरेटर का मतलब होता है कि पूरी फाइल पर काम करो, हेलो, हाँ 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 सुन रहे हो, ठीक है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं कहता हूँ कि नहीं भाई पूरी फाइल पे नहीं काम करना, मुझे पहली लाइन पे ही काम करना है, तो मैं लिखूंगा वन। ओके okay, करेगा ये कहेगा कि भाई जो पहली लाइन पे डॉग पड़ा है ना उसको कैट बना दो, बाकी को छोड़ दो, ये लो। तो इसने क्या किया, पहली लाइन वाले डॉग को कैट बना दिया, बाकी को छोड़ दिया। तो ऐसे एक आप पर्टिकुलर लाइन पे भी काम करवा सकते हो, अगर आप लाइन नेम नंबर नहीं बताओगे तो वो पूरी फाइल पे काम कर देगा, ठीक है। आप एक रेंज ऑफ लाइन भी बता सकते हो, मैं कहता हूँ कि नहीं पहली लाइन पे काम करवाना है और दूसरी लाइन पे काम करवाना है, तो मैं क्या करूंगा 1.2 लिख दूंगा यहाँ पे, 1.2, ये किया मैंने, देखो पहली और दूसरी लाइन पे काम होगा, बाकी पे नहीं है, अच्छा ठीक है। और ध्यान रखना है जितने भी चेंजेस हो रहे हैं सारे मेमोरी में हो रहे हैं, परमानेंटली कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, परमानेंटली चेंजेस करना है तो एस सी डी के साथ हाइफन आई लगा देना, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं अब चाहता हूँ कि ना यार स्टार्टिंग में जो कैट है ना, या स्टार्टिंग में जो डॉग है, एक मिनट, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो स्टार्टिंग में डॉग है ना ये वाला, ये ही कैट बनाओ, बाकी मैं डॉग को कैट बनाऊ, सारी लाइनें का जो स्टार्टिंग का डॉग है वो कैट बनाओ, हाँ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमने क्या करना, एंकर यूज करना है यहाँ पे ना, ये समझे, ये करेगा जो स्टार्टिंग में डॉग था उसको ही कैट बनाया, देखो तो मीनिंग क्या होता है अभी, एक वो टर्म यूएस स्क्रिप्टिंग में मोस्टली यूज करते हैं ना हम,
स्क्रिप्टिंग में भी यूज करते हैं, अगर मान लो कोई फाइल है कोई उस पर सर्च एंड रिप्लेस करना है तो उसमें भी कर सकते हैं, फाइल को ओपन किए बिना ही सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं। पहले वाला जो भी है उसको क्या 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 बोलते हैं उसको, AWK के नहीं पड़ेंगे ये हाँ, सेपरेटर उसके बाद वाला उसके स्लाइड के बाद उसके बाद सर्च वर्ड किसको सर्च करना है और किससे रिप्लेस करना है, जो एरो है ऊपर वाला उसको कैसे पढ़ते हैं, क्या एंकर बोलते हैं? एंकर एंकर बोलते हैं उसको, एंकर बोलते हैं। ओके कैरेट 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 होता है, एक कैरेट सिंबल एंकर में ही आता है, एक कैरेट। कैरेट ठीक है, अब इसने क्या किया, कैरेट डॉग का मतलब कि जहाँ स्टार्टिंग में डॉग है ना उसको कैट बना दिया, देखो जहाँ स्टार्टिंग में डॉग है उसको कैट बना दिया, देख रहे हो। अब दूसरी चीज क्या है कि मैं कहता हूँ कि नहीं जहाँ स्टार्टिंग में डॉग है उसको नहीं, जहाँ एंडिंग में डॉग है उसको बना दो, तो मैं यहाँ डॉलर लिख दूंगा, बस डॉलर लिखा मैंने, देखो जहाँ एंडिंग में डॉग था वहां पे कैट बन गया, देखो बन गया कैट, यहाँ पे बन गया कैट, यहाँ पे बन गया कैट है? हाँ मतलब कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ ना कि देखो इसमें एंकर भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एक लाइन पे भी तुम काम करवा सकते हो, एंकर भी यूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में डॉग है उसको ही कैट करना है या एंडिंग में डॉग है उसको ही कैट करना है, तो इस हिसाब से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। और एक क्या होता है कि ना मान लो ये वाली लाइन, ये तो चलो मेरी भी सिंपल फाइल होगी, एक ये वाली फाइल देखो तुम, जैसे कैट हेड एंट्री, मैं इसको डाल देता हूँ हेड एंट्री स्लैश सीपीसी, पास डब्ल्यू डी को मैं डाल देता हूँ फाइल टू में, कैट फाइल टू, जैसे ये फाइल है। अब वो इसमें देखो यहाँ पे फील्ड्स, अब देखो बिन है जैसे, अब मैं कहता हूँ कि स्लैश बिन को ही मेरे को सर्च एंड रिप्लेस करना है, बाकी को नहीं करना स्ट्रीम एडिटर से, ठीक हेलो। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इस टाइप देखो वो तो सिंपल फाइल थी, वहां पे तो मैंने स्ट्रीम एडिटर से कट कर दिया था मैंने सर्च एंड रिप्लेस, बट इस टाइप की फाइलों में देखो कैसे सर्च एंड रिप्लेस करते हैं, मैं मेरी कंडीशन क्या है कि मैं ओनली बिन को ही स्लैश बिन को ही सर्च एंड रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, और स्ट्रीम एडिटर कौन सी लाइन है, दूसरी लाइन है ना, ठीक है, सेकंड लाइन पर काम करो, क्या करो अगर मैं लिखता हूँ बिन को, ठीक है, क्या बना दो स्लैश समीर, मतलब समीर बना दो, ठीक है, उसके बाद आई जी कर दिया मैंने और फाइल नेम है फाइल टू, ठीक है। दूसरी लाइन में इसने काम तो किया, बट मैंने क्या बोला था, मैं मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि बस स्लैश बिन को ही चेंज करना है, बट इसने क्या किया बिन जहां पे भी था वहां पे समीर बना दिया सारी जगह, देख रहे हाँ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं मेरे को तो स्लैश बिन को स्लैश समीर बनाना है बस, स्लैश बिन को स्लैश क्या बनाना है, स्लैश स्लैश समीर बनाना है बिन को नहीं वाले छेड़ना, स्लैश को ही समीर समझ बनाना है, बिन नहीं अगर हो, मैं बोल रहा हूँ कि स्लैश बिन को ही चेंज करना है, ये जो बाकी बिन पड़ी है उनको कुछ नहीं होना चाहिए, बट इससे क्या होगा कि जैसे स्ट्रीम एडिटर में सिंपल यूज कर रहा हूँ तो देखो इसने इसको भी बना दिया, तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे ओके कंडीशन में कैसे करेंगे पता। देखो वो बता रहा हूँ मैं, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, स्क्रीन एडिटर दूसरी लाइन पर काम करो, ठीक है, क्या करना है स्लैश बिन को ही समीर करना सर्च करो स्लैश बिन को, ये तो स्लैश तो आएगा आएगा ये तो वैसे ही आएगा, ठीक है, स्लैश है बिन को सर्च करो, ठीक है, और किसके साथ रिप्लेस करना है स्लैश समीर के साथ, ठीक है, आई जी और फाइल नेम फाइल टू, ठीक है। और अभी देखो मेरे को यहाँ पे क्या चीज करनी पड़ेगी, कुछ इस टाइप से लिखना पड़ेगा मुझे ना, ये
का मीनिंग क्या हो गया अभी ये अब देखो ये सेपरेटर लगा दिया मैंने, ठीक है, ये बोल रहा है कि स्लैश बिन को सर्च करो, स्लैश मीर के साथ रिप्लेस करो, तो देखो हो गया काम अब यहाँ पे। क्योंकि जो इस टाइप की फाइल है ना जहाँ पे फिल्टर सेपरेटर सेमी कोलन है, ठीक है, तो उस टाइप की फाइल में स्ट्रीम एडिटर से कैसे सर्च एंड रिप्लेस होगा वो ऐसे होगा। देखो अब देखो मैं सिंपल सर्च रिप्लेस कर रहा था, वहां समीर समीर कर दिया, बट अभी देखो उसने पर्टिकुलर इसी को चेंज किया यहाँ पे, देखो स्लैश बिन को ही स्लैश समीर बनाया, बाकी बिन को कोई नहीं कुछ किया उसने, बराबर, ठीक है। तो इस टाइप से भी अगर सर्च एंड रिप्लेस करते हैं तो ऐसे होगा, फील्ड सेपरेटर यहाँ पे सेमी कोलन होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि चलो स्ट्रीम एडिटर से क्या होता है कि ना आप एक लाइनों में दो लाइनों में आप सर्च एंड रिप्लेस कर लेते हो, ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो एक फाइल थी ये वाली, ठीक है, अभी तो जैसे इसमें सारे ही एक वर्ड है, मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोप की जगह, मैंने कुछ ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है, क्या बोल रहे स्क्रीन बड़ा करो, ठीक है बस, ठीक है ठीक है। अभी देखो मैंने एक फाइल में ना ये चेंजेस कर दिया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ एक साथ मेरे को मल्टीपल रिप्लेस सर्च एंड रिप्लेस करना है इस फाइल में, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन में डॉग को कैट बना दो और गोट को भी कैट बना दो, ठीक है, तो वो देखो कैसे करते हैं, एस सी डी पहली लाइन पे जाओ, ठीक है, और क्या करो डॉग को कैट बना दो, ठीक है, फाइल नेम क्या, फाइल। अब मुझे कमांड खत्म नहीं करनी, मुझे सेम कमांड के अंदर दूसरी कमांड देनी है, तो मैं फाइव करेक्टर लगाऊंगा, स्ट्रीम एडिटर चौथी लाइन पे जाओ, ठीक है, और क्या करो गोट को कैट बना दो, ठीक है, और आई जी भी डालना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे आई जी, और यहाँ पे भी आई जी, तो देखो हो गए चेंज, यहाँ पे भी पहली लाइन में डॉग को कैट हो गया, चौथी लाइन में गोट को कैट हो गया। तो ऐसे भी मल्टीपल आप फाइव करेक्टर लगा के मल्टीपल कमांड्स एक साथ यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो एससीडी में क्या होता है कि ना एससीडी में चलो चार पांच लाइनों तो तुम सर्च एंड रिप्लेस कर दोगे, अब तुम फाइव करेक्टर लगा के पांच छह लाइनों में तुम चार लाइनों में मुश्किल से मुश्किल कर पाओगे ये सर्च एंड रिप्लेस, ऐसे जैसे मैंने किया। अगर मान लो दस लाइनों में सर्च एंड रिप्लेस करना हो तो ये मेथड यूज नहीं किया जाता कभी भी ये वाला, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास दस लाइनें हैं, दस लाइनों में सर्च एंड रिप्लेस करना है अलग अलग वर्ड, तो उस केस में तुम क्या करोगे ना एक मेथड एक और यहाँ पे यूज होता है कि आप एक फाइल बना लो और उस फाइल में ना एक्सप्रेशन लिख दो इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में एक्सप्रेशंस लिख दो और एक्सप्रेशंस को उस फाइल पे अप्लाई कर दो जहां पे सर्च एंड रिप्लेस करना है, ठीक है, तुम्हें इतने झंझट जमा करने की जरूरत नहीं है, ये पाइप करेक्टर लगा लगा के लिखने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। वो कैसे होता देखो, ये फाइल थी जैसे अभी तो चलो मैं इसमें चार ही लाइने हैं, ठीक है, और सिंपली मैं इसमें मान लो अलग अलग लाइने होती, मान लो उसमें दस लाइन हो मुझे सर्च एंड रिप्लेस करना पड़ता और हर लाइन में अलग अलग वर्ड होते, ठीक है, मैं छोटी सी फाइल बना रहा हूँ अभी, तो मान लो मैंने डॉग की जगह यहाँ पर गोट कर दिया कोई भी, ठीक है, यहाँ पे मैंने समीर डाल दिया मान लो, और यहाँ पे मैंने डाल दिया लिनक्स, ठीक है, ये मैंने फाइल बना दी, ठीक है। अब मुझे मान लो ऐसे सोच लो कि दस लाइनें हैं इस फाइल में, क्या दस लाइन में मेरे को एक साथ सर्च एंड रिप्लेस करना है, तो वो देखो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे एक फाइल बना लेंगे, ठीक है, हेलो,
हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे और उसमें वो सिंटेक्स की फॉर्म में एंट्री करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस फाइल को अप्लाई करा देंगे उस फाइल में जिसमें सर्च एंड रिप्लेस करना है। ओके ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा BI expressions के नाम से। ठीक है, यहाँ पे कहूंगा मैं पहली लाइन में जाओ, ठीक है, और वहां पे क्या है, डॉग पड़ा होगा, उसको क्या बना दो, कैट बना देना। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन में जाना, वहां पे गोट पड़ा होगा, उसको भी कैट बना देना। ठीक है, तीसरी लाइन में जाना, वहां पे समीर नाम के वर्ड को कुछ भी कर दो यार, यहाँ पे शमी कर देना। ठीक है, फोर्थ लाइन में जाना और वहां पे क्या कर देना, लिनक्स नाम के वर्ड को विंडोज कर देना। W2, ठीक है। और देखो कैट फाइल में क्या है, ये एंट्री है ना, मैंने क्या किया, एक्सप्रेशंस को लिख लिया अलग से फाइल में। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन में डॉग को कैट बना देना, दूसरी लाइन में बोट को कैट बना देना, तीसरी लाइन में समीर को समीर बना देना, और चौथी लाइन में लिनक्स को विंडोज बना देना। अब इस वाली फाइल को, इस एक्सप्रेशंस वाली फाइल को मैं इस फाइल में अप्लाई करूंगा। वो देखो कैसे करूंगा, SCD-F, मैं SCD को बोल रहा हूँ, मेरे पास एक्सप्रेशंस की एक फाइल बनी हुई है ये वाली। ठीक है, इसको अप्लाई कर दो किसके ऊपर, फाइल के ऊपर। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो तुमने मल्टीपल सर्च एंड रिप्लेस करना है, मान लो 9-10 लाइनों में सर्च एंड रिप्लेस करना है, तो ये मेथड यूज किया जाता है। मतलब कि एक एक्सप्रेशंस को आप एक फाइल में लिख दोगे और उसके बाद एक्सप्रेशंस को उस फाइल पे अप्लाई करा दोगे। अब मैं बोल रहा हूँ SCD-F एक्सप्रेशंस मेरे पास फाइल में लिखे हुए हैं XP के नाम से, और उसको इस फाइल के ऊपर अप्लाई कर दो। एंटर करूंगा मैं, देखो हो गए सर्च एंड रिप्लेस अकॉर्डिंग टू दिस। पहली लाइन में डॉग कैट बन गया, दूसरी लाइन में बोट कैट बन गया, तीसरी लाइन में समीर को शमी बना दिया इसने, चौथी लाइन में लिनक्स को विंडोज बना दिया। बट फाइल वहीं के वहीं है, फाइल में कब कौन सी चेंज हुई, जब हाइफन आई लगाऊंगा। बीमारी भी चुप और है, परमानेंट चेंजेस करने का रहेगा तो परमानेंटली करना है तो हाइफन आई लगा दो उसमें, तो हाइफन आई ये करो, एंटर मारा और दोबारा से कैट फाइल करोगे, परमानेंटली चेंजेस होगा। हो गए ना परमानेंट चेंज, पर हाइफन आई नहीं लगाओगे परमानेंटली चेंजेस नहीं होने वाला, बिल्कुल वो जस्ट मेमोरी में शो करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रीम एडिटर। तो स्ट्रीम एडिटर मतलब कि छोटा मोटा एडिटर नहीं है, इसकी पूरी बुक आती है एक ना कंप्लीट। ठीक है, तो हाइफन आई नहीं लगाना कभी भी ना, जब तक तुम्हें श्योर नहीं होता कि मेरी आउटपुट सही नहीं आ रही। ठीक है, जैसे ही तुम्हें श्योर हो जाता कि आउटपुट इस नॉट ऑपरेटिंग, देन हाइफन आई कैरेक्टर्स करो बोला था स्टार्टिंग।